गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कई संगठनों और पार्टियों के साथ गठजोड़ करने के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक जनसभा का आयोजन गोरखपुर के तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में किया। सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के समर्थन में आए अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों पर धावा बोलते हुए कहा कि जनता जुमलेबाजियों से परेशान हो गई है, योजनाओं को अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया है और उद्घाटन तो उन्हें उन्हीं की परियोजनाओं का हो रहा है जो कभी सपा सरकार में की गई थी। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवान साथी विपिन कुमार ऐसा जी मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी, पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रियू जी, डॉक्टर बसू साहब हमारे साथ विधानसभा में रहे, विधानसभा के अध्यक्ष अजय माता साथ पांडे जी, चौधरी जी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेमलाल यादव जी, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी मंच पर उपस्थित, हमारे पूर्व है प्रत्याशी विजय कुमार यादव जी, अमरेंद्र निषाद, राम भवन निषाद जी, पूर्व मंत्री जी शारदा देवी जी, गो सिंह महाराज जी से लेकर के राजमणि निषाद जी से लेकर के हमारे पार्टी के बड़ी संख्या में महानगर अध्यक्ष जगत शाम से लेकर के रघु जी से लेकर के मैं जो देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या में सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित, निषाद पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, पीस पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी, जिन दलों ने हमें समर्थन किया है, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्टों के वामदल के सभी सहयोगी लोकदल से लेकर के यहाँ, वैसे तो इनके पिताजी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के छोटे भाई हैं। ये इंजीनियर हैं और हम ये इंजीनियर हैं। ये जो नई चीज निकली है, अगली उन बातों में
सुनना चाहते हो? विधानसभा में क्या सुनना चाहते हो आप? लेकिन पता नहीं क्या बात की कि हम और आप सांप और छछूंदर बन गए। क्या आपने नहीं समझा मैं राजनीति दुनिया कैसे कर रहा हूं? और सांप और छछूंदर की बात कर रहे हैं तो मेरे सर में बिल्कुल घूमर बैठा हुआ देखा है। घूमा बैठा देखा है मैं अपनी आंखों से। परेशानी में बताओ एम्बुलेंस पहुंची कि नहीं पहुंची? हम समाजवादियों ने समाजवादी एम्बुलेंस ले ली। हम 108 गर्भवती माता बहनों के लिए ले ली। हमने लोगों के लिए ये गोरखपुर शहर, मैं इस शहर के लोगों से कहना चाहता हूं और मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने ले पा रहा हूं, बताओ शहर में दो ही वार्ड बचाओ जिसमें समाजवादी लैब का बना पूछा हो। हम ये कह रहे हैं कि हम एम्बुलेंस वाले नहीं हैं, हम लैपटॉप वाले लोग नहीं हैं, हम गांव को छछू रहे हैं। अगर समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने दिया है तब से हम और वो सांप और छछूंदर बन गए। लोग हमें और बहुत छोड़ रहे हो हर चीज को, तुम बहुत छोड़ रहे हो आधार से, बहुत छोड़ा अपने आधार से। आप रजिस्ट्री जोड़िए आधार से, दोनों रजिस्ट्रिया जोड़िए नहीं जोड़िए आधार से। अब अगली रजिस्ट्री करोगे तो आधार से आपको जोड़ना पड़ेगा, ये व्यवस्था करनी है। आपके राशन कार्ड जुड़े आधार से, आपका मोबाइल जुड़े आधार से, जुड़े आधार से। तो हम कहते हैं भाई सब कुछ छोड़ के अपने आधार से, हम लोगों को आधार से जोड़ो और गिरो। और आवाज़ में कौन जाता है? अगर हम जाता है तो हम समाज वाले लोग करके और इन तमाम साथियों करके जो आदि के साथ ध्यान देना है वो हम गिरो यही मानने आए हैं। मामूली चुनाव नहीं है, याद रखना। ये लाल टोपी सरकार ने लगाए हो, कभी कभी लाल टोपी पहन करके तुम्हें ज्यादा जोश आ जाता है। अगर जोश आपको आ रहा है तो हम लोग भी देख करिए आपसे ज्यादा उत्साह में चले जा रहे हैं। तो हम सब ये हमारी आपकी पहचान है। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा आपको, हमने तो नहीं कहा। विधानसभा में सुना होगा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने रखा होगा कि हम हिंदू हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं बताओ हम क्या हैं, ये बताओ तो हमें हम जानना चाहते हैं हम क्या हैं। अगर हम हिंदू हिंदू के बराबर क्या है? याद रखना साथियों,
ये लड़ाई दिमाग की है, थोड़ा संभल कर लड़ना। ये लड़ाई वोट के साथ साथ दिमाग की भी है। बताओ समाजवादी से ज्यादा क्या काम किया है आपने, हमें बताओ। और एक साल है, एक साल हो गया, बहुत बिजली की बात कर रहे हो कि बिजली हम जान दे बिजली की भाई किसने ज्यादा, किसी ने ट्रांसफॉर्मर बेहतर किया है तो समाजवादी लोगों ने बड़े जिस राज्य में बिजली जगह नाम बेहतर करने के लिए कहा है। हम तो कहते हैं एक यूनिट भी बिजली बनाई हो तो बनाओ तो हमें। और मैं आया था पिछली बार, वैसे तो गांव में आया था आपके बीच में, हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि ये नोटबंदी से कोई काला धन नहीं आने वाला, ये नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला। लोगों ने हमसे ज्यादा बीजेपी में यकीन कर लिया। हम आज आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ तो बार चुने ने उस समय कहीं ना भी नहीं कहता हूं, मैंने उस समय कहा था, इसी मैदान में कहा था कि हमारा नोट जो होता है वो नोट ज्यादा सीरियस नहीं होता है, अगर कोई चीज ज्यादा सीरियस होती है तो हमारा आपका लेन देन ज्यादा सीरियस होता है। बताओ आपके मंत्री लोग क्या कह रहे हैं, आपके मंत्री लोग क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, लूट कितनी बढ़ गई है। हम समाजवादी लोग दुकान में बोल रहे हैं, आपके विधायक और आपके मंत्री कैसे धरना देकर आपके रूप में ताल लगाने का काम कर रहे हैं। बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के लिए बढ़ा, और भ्रष्टाचार कितना बढ़ा कि अब लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, अब पकड़े कैसे जाएंगे ये बताओ हमें। और रुपया आप अगर जमा होगा तो वो लेके गए, याद रखना ये रुपया किसी अमीर का नहीं गया है, जो पैसा गरीबों से जमा हुआ तो वो सब ऐसा पैसा बैंक के माध्यम से उसे रुपये लेकर के निकल गए, लेकर के चले गए, वोट देने वाले नहीं है उनमें से। हमें तो वो दिन याद है समाजवादी साथियों को याद होगा, अगर कोई समय याद होता तो हमारा रिश्तेदार बता दिया जाता था, कोई थाने में हो तो हमारा रिश्तेदार है। अब मैं जानना चाहता हूँ ये रिश्तेदार किसके लिए बना जाता है, बच्चों की जान चली गई, अस्पताल में बच्चों की जान चली गई, और इसे जान चली गई कि बच्चों को ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिला की तो आज वो बच्चे जान नहीं चाहती, बच्चों को जिंदा हम लोग देख सकते थे। मैं उनकी माँ से मिला हूँ, मैं यहाँ करके गोरखपुर में उनकी माँ से मिलने का काम किया, वो विचार कर रहे थे हमारा बेटा आएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेटे की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिली। एक परिवार जिसके दो जुड़ा बच्चे हुए, इतने वर्षों के बाद दो बच्चे हुए, लेकिन वो उनकी भी जान इसीलिए चली गई क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कितने परिवार को मिला। हम समाजवादी ने कभी भी बच्चों को जान जाने वालों को कभी अपने हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखा होगा। हमारी सरकार समाजवादी दे रही होगी तो हमने कहीं से भी पैसे का इंतजाम किया होगा तो उन बच्चों परिवारों की मदद करने का काम किया है। इस बार सरकार ने भी कभी हम समाजवादी लोग और एलडी पार्टी के खजाने से पैसा उनको को मदद करने का काम किया है। हम उनका कल्याण निकाल रहे हैं, अगर हम मदद कर
कहां है, बताओ और बच्चों की जान चली गई, कितने परिवारों की आपने मदद की है, कितने परिवारों की मदद की है। और मैं पूछना चाहता हूं, यही मेडिकल कॉलेज, यही मेडिकल कॉलेज जिसमें मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हमने अस्पताल दिया, हमारे साथ ये मंत्री थे राजे शांति जो गुजरात होंगे, इस अस्पताल को हमने 500 बेड का बच्चों का अस्पताल दिया, समाजवादी सरकार में बच्चों के मेडिकल कॉलेज में वार्ड बन रहे थे, मेडिकल कॉलेज में अलग विंग बन रही थी, आपने कितना पैसा लेने का काम किया पिछले एक साल में बता दो। सड़क बनने वाली चौड़ी बन रही, बताओ कितना पैसा लिया आपने इसमें, और ये वजह से सनी पर बनने वाली सड़क में पैसा कितना दिया, ये भी हमें बता दो। हमारे मेंबर से के जवानी ने बैठे बताओ किसी नगर में एयरपोर्ट जो बन रहा था, हमने वहां पर खिलाड़ी से बनाने का काम करे, आपने तो केवल बिल्डिंग बनाई है, दो कमरे बनाए हैं, हॉल बनाया है, आप जाओ किसी नगर में लेकर जाओ आपके बनाया है एयरपोर्ट, तुम्हारे वाले लोगों ने बना कर दिया। ये काम पर मुकाबला नहीं कर सके, हमारा आपका काम मेरे मुकाबला नहीं कर सके, और कितना काम बताए हम बताओ, हमारी माताओं बहनों की समाजवादी पेंशन भी छीन गई। मैं अपनी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, हम अपने भी आए होंगे, बहुत से नाम से हैं, हम समाजवादियों का बहुत सहयोग किया, पूरे देश में करोड़ों की सबसे बेहतरीन योजना थी समाजवादी पेंशन, गरीब माता बहनों की मदद हो रही थी, उससे 500 रुपया महीना देने का काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें समान शुरू होने का काम कर लिया। हम आपको वादा कर दिया है, घोषणा पत्र में भी हाथ काम है कि हमारी समाजवादी सरकार आई तो हम 1000 रुपया महीना देने का काम और 5 साल आपको यही मिलेगी पेंशन, 5 साल नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि 1 साल चला गया, 4 साल और, क्योंकि पिछले बजट में लिया नहीं पैसा, तो 3 बजट और आने, इसमें कोई पेंशन नहीं मिलने वाली, तो 500 खा कर आटा ही हो गया आपका, और जो समाजवादी सरकार मिली तो हम अपनी गरीब माता बहनों को समाजवादी पेंशन 2000 रुपया महीना देना चाहिए, और जो समाजवादी लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं है, हम जानना चाहते हैं बताओ कितनों के अकाउंट में 15,000 रुपए आ गए हैं, 15,000 रुपए आप 15,000 के वादे पे सरकार बना देते हो, तो हम समाजवादी लोग भी 30,000 रुपए का वादा कर रहे हैं आपके अकाउंट में, तो 15,000 किसी के अकाउंट में आया, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा, और ये किसान कर्ज माफी बताओ हमें, किसानों का कर्ज माफ होगा, आपने सुना होगा दुख किस तरह किसानों के ऊपर आया है, पूरे प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, दुबले ठंड में चले जाओ तमाम किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, कोई किसानों की मदद नहीं हो रही, और जो कर्ज माफी का नारा दिया था वो जानना चाहते हैं, किसानों का कर्ज माफी के बाद जो पैसा आया तक जाने में वो आगे बार पैसा कहां वाली है हमें बताओ, कितने किसानों का कर्ज माफ हो गया हमें बताए किसान भाई, हमारे कार्यकर्ता जाओ गांव में पूछो कि बताओ कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है, और अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विभिन्न कुमार के पक्ष में लगा देने का काम करेंगे। ये और इसी वलंज में
ये सोचते थे कि काम के आधार पे वोट नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ 5 साल की कौन सी युवती है बताओ, लेकिन सीमाएं होती है, सीमाओं के बाहर कोई नहीं जा सकता। इसलिए चुनाव आपके सामने है, इसे साधारण चुनाव मत समझना। और अगर आपने साधारण चुनाव समझा तो आप लोगों को कोई चुनाने वाला नहीं है। इसके बाद याद ये भी रखना, आप लोग ये जो ताकत बनी है, ये जो एक साथ लड़ आए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं हुई है। उनके पिता ने बेटा दे दिया हो समाजवादी को, डॉक्टर अयूब ने साथ दे दिया हो, अजीत जी का समर्थन हो गया हो और बहुत से समाजवादी ने भी आपका सहयोग कर दिया हो, तो ये कोई मामूली चुनाव नहीं बता रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जो कहा कि न सुनना है न गलत देखना है न कहना है, ये 10 तारीख तक यही कर लेना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मान लेना और 11 तारीख को साइकिल भी पढ़ लेना। तो कोई जगाने नहीं आएगा आप लोगों को। अगर आबादी में ज्यादा हो, अगर संख्या में ज्यादा हो, तो कभी कभी हम बटन दबा करके बताना कि हम आबादी में ज्यादा हैं। और अगर आबादी में ज्यादा नहीं हो तो भूल जाना कि कभी कोई और भी लड़ाई तुम्हारे लड़ेगा। इसे ईमानदारी से सब लोग एक होकर करने, एक होकर के मदद करने का काम करना, क्योंकि हम जैसे लोगों ने कभी जान और धन के आधार पर वोट नहीं मांगा। हम कभी जान और धन के पैमाने से नहीं देखा किसी को। हमारी योजनाएं जो भी नहीं कभी हमने भेदभाव नहीं किया। हम लखनऊ से लेकर के और न जाने कितने जिलों में कौन कौन सा काम किया, आज ही याद करते हैं। याद है आज भी हम लोग को, हम दिल्ली से कहते हैं बताओ दिल्ली वाला एक काम हमें बता दो। दिल्ली वाला काम जो गैस सिलेंडर वाला था, वो सिलेंडर खाली पड़े हैं, कोई भरने वाला नहीं है उस सिलेंडरों को। कोई भी सिलेंडर भरने जा रहा हो बता दो हमें। कोई भी उत्तर प्रदेश की सरकार का एक काम हो बता दो। इतने साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, ये चुनाव हम सब के सम्मान का चुनाव है। और नौजवान साथियों को कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री की आवाज जो दे रहे थे, अगर सम्मान को किसी ने छीना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत का सम्मान छीन लिया। हम नहीं कहते कि नौकरी नहीं दो, हम कहते नौकरी निकालिए, जितनी नौकरी है उतनी निकालिए, लेकिन किसी की नौकरी मत छीनिए। यही पर हमने देखा था टीवी की तस्वीर, न जाने कितने शिक्षा मित्रों में लाठी पड़ी थी। शिक्षा मित्रों को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर आत्महत्या किसी ने की है तो सबसे ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। आंगनबाड़ी इंतजार कर रही है गठबंधन की सरकार से मदद होगी या नहीं होगी। हमारी आशा कार्यकर्ता इंतजार कर रही है कि गठबंधन की सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी। और जो सम्मान समाजवादियों ने पुलिस का किया है, इतना किसी ने सम्मान नहीं किया होगा। ये जो 100 नंबर है, आप बिगड़ गए हो, 100 नंबर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन समाजवादी सरकार ने 100 नंबर लेकर के गरीब की मदद करने का काम किया था कि अगर गरीब तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर खेत में है, कहीं भी है, अगर फोन कर भेजा था तो 10 मिनट में पुलिस उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया। किसान भाइयों, हमारे गरीब मजदूर भाइयों, आप मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, चुनाव में एक होकर के हम समाजवादियों की और चुनाव से की मदद कर लेना। एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव साइकिल में डालने का काम करना, ये बड़ा फैसला है, बड़ा संदेश जाएगा यहाँ से। ये कोई मामूली संदेश नहीं जाएगा यहाँ से, बताओ कोई छोटा संदेश जाएगा यहाँ से। ये संदेश पूरे देश में जाना है,
के पद पर डाल करके इसको जिता करके और ये पहली बार समीकरण बना है ऐसा, इतना वोट इकट्ठा पहली बार हुआ है। किसी गले में निकल जाओ, गाँव में निकल जाओ, कहे की वोट आता है से ही। इतना वोट भी इकट्ठा हुआ होगा तो बता दो हमें। ये ताकत लगा देंगे, दूर की ताकत लगा देंगे, प्रशासन की भी ताकत लगा देंगे, लेकिन जब जनता निकल पड़ती है तो कोई ताकत नहीं करती है, कोई ताकत जनता के सामने नहीं करती है। एक बात विचार करके साइकिल विकास सिंधु सम्मान बनाने का काम करेंगे। इस के साथ हम अपने नौजवानों से जरूर कहना चाहते हैं आपके लिए, नौजवान अगर आप समाजवादी को जिताओगे तो तैयार हाथ रहेगा, समाजवादी पार्टी के विपरीत को जिताओगे तो नया हाथ रहेगा। ये नौजवान है, जितने जो गोरखपुर की धरती के है, गोरखपुर है, जो सम्मान बनाने का काम करेंगे, इनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से जो चल कर आए हैं, आप सभी साथियों का बहुत सारा आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के समाप्ति की बहुत बड़ी ज्ञान दी, बहुत बहुत धन्यवाद।